Hello, dear students of class 9th. Once again, I, Joseph, welcome you all in this session of online studies. As we all know, we are doing chapter number 2 and we are continuing exercise 2.5. Till the very last lecture, we have completed question number 7 of this exercise 2.5. So today we are here to start this exercise from from question number 8. And question number 8 is, factorize, you can see I have written on this page, factorize each of the following. That means in your 8th question, 5 parts are given to you. As you can see also in this page, I have done all the solutions on this page of 5 parts. I will be here trying to solve or let you explain only single part because today we have to conclude this exercise. Aaj main aap log ko is exercise ko samap khatm karne ke liye is question se keval ek part samjhaunga, baaki aap log just note down kar lenge. I will also send these solutions in the WhatsApp group. So let us see. If you just didn't see the book and the question, factorize each of the following. Question number 8, 5 parts are given to you. Just let us see very first 2 parts. Agar aap dhyan se pehle 2 parts ko dekhen, pehla part hai 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. Aur second part mein sare dekhe values sab ki sab same hai, sirf signs thode se change hai. 8a cube minus b cube minus 12a square b and plus 6ab square. सिर्फ देखें सेकेंड और थर्ड टर्म के साइन अपोजिट हैं, बाकी सब टर्म्स आपकी सेम है, साइन भी सेम है. अब देखिए फ्रेंड्स, आइडेंटिटी यहाँ पे आपने कौन सी अप्लाई करनी है. देखिए आइडेंटिटी नंबर 6 एंड 7 में x प्लस वाई होल क्यूब होता है आपके पास, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी. सेवंथ पार्ट में देखिए, सेवंथ आइडेंटिटी में देखिए x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. सो ये आपके पास सेकेंड पार्ट में अप्लाई होगी. सो लेट मी एक्सप्लेन यू सेकेंड पार्ट. देखिए 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. सो देखिए आपको जो आइडेंटिटी बनानी है, आपको पता है कि ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होनी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. फर्स्ट टर्म देखिए पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म नेगेटिव है, थर्ड टर्म नेगेटिव है और फोर्थ टर्म पॉजिटिव है. तो ध्यान से पता चल रहा है कि हमें ये आइडेंटिटी हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज होगी, विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल क्यूब. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे क्यूब है वो पूरे एक्स का क्यूब है, लेकिन यहाँ पे ओनली ए का क्यूब गिवन है. तो अगर एट को भी मुझे क्यूब की टर्म्स में लिखना है, तो मुझे पता है कि एट किसका क्यूब होता है, टू का क्यूब होता है. सो ये एट ए क्यूब क्या हो जाएगा, टू ए का होल क्यूब. दैट मीन्स टू का क्यूब एट एंड ए का क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब. माइनस बी क्यूब सिंगल है तो बी क्यूब. अब माइनस देखिए इस आइडेंटिटी की फॉर्म में अगर मैं लिखूं थ्री एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे एक्स क्या है स्टूडेंट्स, एक्स है टू ए, एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब. तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्स की वैल्यू है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर वाई की वैल्यू है, सो एक्स की वैल्यू आपके पास टू ए है और वाई की वैल्यू बी है. सो थ्री एक्स स्क्वायर वाई, थ्री एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आपने टू ए पुट करी, टू ए का स्क्वायर इंटू वाई दैट इज बी. सिर्फ अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास यही टर्म आपको मिलेगी, इसलिए मैंने इसको क्या किया, फैक्टराइज किया है. सो अगर आप इसको स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर. नाउ फोर थ्री जो ट्वेल्व, ट्वेल्व ए का स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर. एक्स की वैल्यू टू ए है, मैंने पहले बताया ब्रैकेट के अंदर, और वाई की वैल्यू आपके पास बी है, तो थ्री इंटू टू ए इंटू बी स्क्वायर, थ्री टू जो सिक्स, सिक्स ए बी स्क्वायर, तो सिक्स ए बी स्क्वायर प्लस सिक्स ए बी स्क्वायर. तो आइडेंटिटी बन रही है आपकी जो किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब. एक्स आपके पास टू ए था, माइनस वाई आपके पास बी है, तो टू ए माइनस बी का होल क्यूब. होल क्यूब का ऑप्शन इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो होल क्यूब मीन्स आपको वो थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2a माइनस बी इंटू टू ए माइनस बी इंटू टू ए माइनस बी. इस टाइप के स्टूडेंट्स आप लोग बाकी सब पार्ट्स कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज. नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 9. सी स्टूडेंट्स, हेयर क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरीफाई for we are in the ninth question, we are having two parts. First part is x cube plus y cube is equals to x plus y into x square minus xy plus y square, and in second part you are having x cube minus y cube is equals to x minus y into x square plus y xy plus y square. ये दोनों parts आपको verify करने हैं. So इस verify करने का मतलब है कि आपको कोई identity यहाँ पर use करते हुए इसको prove करना है. So verify first part I have solved here. x cube plus y cube is equals to x plus y into x square minus xy plus y square. As you know students, identity अभी अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे use की है,
एक्स प्लस वाई का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy², जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में यूज भी की है आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या देखिए स्टूडेंट्स, इन दो टर्म्स को राइट हैंड साइड आने दीजिए, इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। जब ये दोनों टर्म्स आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, इनका साइन अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा इस टर्म के साथ, इज इक्वल्स टू यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। नेक्स्ट इन दोनों में कुछ कॉमन जो आपके पास आ रहा है वो मैंने कॉमन ले लिया है, माइनस साइन कॉमन है माइनस साइन कॉमन ले लिया, 3 कॉमन है 3 कॉमन आ चुका है बाहर, एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन है, वाई और वाई स्क्वायर में वाई कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स बचा है और यहाँ पर आके वाई बचा है। स्टूडेंट देखिए ध्यान रखिए, जब आपने माइनस साइन कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। जब माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी साइन चेंज हो जाते हैं, और जब आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तब भी अंदर क्या हो जाता है, साइन अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो टर्म मेरे पास बची है यहाँ पे, अब देखिए स्टूडेंट्स इस पूरी टर्म में लेफ्ट हैंड साइड में फिर से आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है पूरी टर्म में, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई आपका एक फैक्टर मल्टीपल जो है वो कॉमन है, एक्स प्लस वाई यहाँ भी और एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का मतलब क्या है, 3 मल्टीपल्स, तो एक मल्टीपल आप कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर माइनस 3xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्यूब एज इट इज। आप सिर्फ देखिए अंदर मैंने थोड़ा सॉल्व किया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर लगाया जो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस 3xy एज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज। फिर इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस 3xy एड या सेपरेट कर दीजिए, माइनस xy बचेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और माइनस करेंगे 3 - 2 इज 1xy, लेकिन 3 का नेगेटिव साइन, 3 जो है वो बिगर नंबर है उसका साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन यहां पर आया है। अब देखिए स्टूडेंट्स यही आपको प्रूव करना था, x³ + y³ राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख दीजिए इज इक्वल टू x + y * x² + y² - xy x² + y² - xy। सो यही आपको क्या करना था, वेरीफाई करना था, इसलिए मैंने बॉक्स में बंद कर दिया आंसर, हेंस वेरीफाई। अब देखिए स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट जो इसका है, सेम आप लोगों ने यही आइडेंटिटी प्रूफ वेरीफाई करना है, x³ - y² = x - y (x²+xy+y²। लेकिन ध्यान रखिए स्टूडेंट्स यहां पर जो हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज की है वो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब यूज किया है, लेकिन नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आप लोगों को x - y का होल क्यूब अप्लाई करना है, ये वाली 7th नंबर आइडेंटिटी आपको यूज करते हुए सिमिलरली जैसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है आप लोग सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्यों होमवर्क लिखा है, बाकी सब क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रूव करके यहाँ पे दे रहा हूँ और मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूँ, यू हैव टू जस्ट नोट इट डाउन, लेकिन ये सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है इस फर्स्ट पार्ट को देखते हुए, इसलिए ये आपको होमवर्क है, बाकी सब आपके जो क्वेश्चन है वो आपके क्लास वर्क में आएंगे, बिकॉज आई हैव रिटन द सॉल्यूशन आई विल सेंड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आपको केवल नोट डाउन करना है कॉपी करना है, कोई प्रॉब्लम होगी देन यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, एंड दिस पार्ट यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन एंड यू विल ऑल्सो सेंड मी द सॉल्यूशन। दिस इज द 9th क्वेश्चन, नाउ विल बी सॉल्विंग 10th क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन हम लोग यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, टेंथ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, दो पार्ट्स आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग में फर्स्ट पार्ट है 27y³ + 125z³ एंड सेकेंड पार्ट है 64m³ - 343n³। अब सिर्फ ध्यान से देखिए इन दोनों पार्ट्स में जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9th में जो आइडेंटिटी यूज हो रही है ध्यान से देखिए सर, 9th क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आइडेंटिटीज, इसका मतलब ये दोनों फॉर्मुलेस भी जो आपके हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 में से लिख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे करके इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन के टर्म्स में जो फॉर्मुलेस हैं ये आइडेंटिटीज हैं, अगर आप इनको चाहें तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में भी नंबर 9 और नंबर 10 बनाकर लिख सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच विल बी यूजफुल इन योर हायर क्लासेस ऑल्सो, जो आपके हायर क्लासेस में भी ये फॉर्मुलेस यूज होंगे, इसलिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, और इन्हीं के बेसिस पे देखिए x³ + y³ ऐसे ये q + something³ x³ - y³ something³ - something³ की टर्म्स में ये दोनों आइडेंटिटीज आपकी यहाँ पे यूज होंगी। आई विल हेयर एक्सप्लेन यू द सेकेंड पार्ट 64m³ - 343n³। सिर्फ देखिए आपके पास आइडेंटिटी है x³ - y³, अगर आप लोग को यूज करनी है तो यहाँ पे होल का क्यूब होना चाहिए, आपको पता है स्टूडेंट 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब, अगर नहीं पता है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 × 4 × 4 4 × 4 = 16 16 × 4 = 64 64 का क्यूब है, और 343 आपके पास 7 का क्यूब होता है, 7 × 7 = 49 49 × 7 = 343। सो अब आपके पास यहाँ पे 4³ m³ का आप कैसे लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब माइनस
सेवन एन का होल क्यूब। सब आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एनटी आप लोग यूज कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4m है और वाई की वैल्यू 7n। अगर आप लोग यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं कि हेयर एक्स इज इक्वल्स टू 4m एंड वाई इज इक्वल्स टू 7n, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं। बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, एक्स माइनस वाई 4m माइनस 7n, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में पुट कीजिए वैल्यूज, मैंने पहले ही बताया था 4m माइनस 7n इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16m स्क्वायर प्लस 4 7 से 28, 28mn प्लस 7 का स्क्वायर 49, सो 49n स्क्वायर। ये सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स आपका सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स क्या है, फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। स्टूडेंट्स वेरी लास्ट आइडेंटिटी देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन भी देखें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी आप लोगों ने यूज करनी है। तो ध्यान से हमें देखें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्वेश्चन में भी देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड करके कोई वैल्यू गिवन है तो आपके पास ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होनी है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है 27x क्यूब है, तो इसको हमने होल क्यूब की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। 27 किसका क्यूब होता है, 3 क्यूब, सो 3 क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस, देखिए स्टूडेंट्स इसको मैंने नेक्स्ट एक्स से सॉल्व किया, 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको आइडेंटिटी यूज करनी है तो एक्स का होल क्यूब, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3x मैंने लिखा, अभी एक्स की वैल्यू क्या है 3x, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू है प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, वाई की वैल्यू वाई ही है और जेड की वैल्यू जेड ही है आपके पास क्वेश्चन में। माइनस अगर आपको आइडेंटिटी यूज करनी है तो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 3x, वाई एज इट इज जेड एज इट इज, तो 3 जेड 9 एक्स वाई जेड, ऊपर भी आपके पास यही वैल्यू गिवन थी 9xyz। तो मैंने यहां पर फैक्टराइज किया है, स्प्लिट किया है, जैसे आप लोगों ने पिछली क्लास में भी किया था, अपने 8th स्टैंडर्ड में फैक्टराइजेशन पढ़ी आप लोगों ने, इसको मैंने 3 जेड 9 करके स्प्लिट किया है ना 3 इंटू 3 एक्स इंटू वाई इंटू जेड, क्योंकि 3x किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सो यू हैव टू जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, एक्स की वैल्यू 3x थी, सो 3x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में क्या था एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स की वैल्यू 3x थी माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू 3x बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स वॉज 3x। बस इसको थोड़ा सॉल्व किया, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx नहीं तो 3xz, दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड अगर आप ध्यान से देखें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो ये आपके पास वही आइडेंटिटी है जो अभी तक आप लोगों ने यूज किया क्वेश्चन नंबर 11 में, जो आपके पास 8th नंबर आइडेंटिटी है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। अब देखिए स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स वही है जो आइडेंटिटी नंबर 8 की लेफ्ट हैंड साइड है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। सो लेकिन राइट हैंड साइड थोड़ी डिफरेंट है, तो देखते हैं क्या करते हैं। एज वी नो द आइडेंटिटी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, राइट हैंड साइड आप लोग जानते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको जो प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में देखें तो 1/2 आ रहा है। 1/2 कैसे आएगा, तो अगर आप राइट हैंड साइड को नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने किया लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि आपको यही चाहिए। राइट हैंड साइड में देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया है, जो 2 से डिवाइड किया वो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 1/2, लेकिन जो 2 से मल्टीप्लाई किया उसको इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया है। सो जब आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो हर एक टर्म उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखिए 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² हर एक टर्म को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2x² का मतलब होता है x² प्लस x²
टू वाई स्क्र का मतलब वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र, जेड स्क्र टू जेड स्क्र का मतलब जेड स्क्र प्लस जेड स्क्र, इनको आपने एज इट इज लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनका मैं थोड़ी पेयरिंग कर रहा हूँ, कैसे पेयरिंग कर रहा हूँ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस टू एक्स वाई, फिर वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस टू वाई जेड, देन प्लस जेड स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस टू जेड एक्स, ताकि ये सारे क्या बन जाए फॉर्मूला, ये कटा हुआ इसको आपने नहीं लिखना है, दिस इज रॉन्ग। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस टू एक्स वाई, यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस वाई का होल स्क्र, ये आइडेंटिटी वाई और जेड की टर्म्स में वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस टू वाई जेड आइडेंटिटी बन जाएगी वाई माइनस जेड का होल स्क्र, और ये आपके पास जो आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी जेड माइनस एक्स का होल स्क्र। सो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी वही राइट हैंड साइड है जो आपको चाहिए थी, सो हैंस वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड यही है जो आपको सॉल्व करना था। सो दिस इज योर प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, हैंस वेरीफाइड। उसके बाद हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। सो देखिए, अगर आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो है, तो आप लोगों ने शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है, थ्री एक्स वाई जेड के इक्वल होता है। सेम आइडेंटिटी नंबर 8 वी आर यूजिंग हियर, जैसे आप लिख सकते हैं कि गिवन आपको क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, एज वी नो द आइडेंटिटी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड अप टू सो ऑन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास जो क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो गिवन है, तो सिंस आप लिखिए कि सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, अगर इसकी वैल्यू आपके पास जीरो आपको गिवन है, तो आप इसकी फॉर्म इस पूरे फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को जीरो पुट कर दीजिए इस पूरे आइडेंटिटी में। अगर आप यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, जीरो इंटू दिस एज इट इज, तो जीरो इंटू एनीथिंग वी नो जीरो, अगर इक्वल टू जीरो है तो इस माइनस थ्री एक्स वाई जेड को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए, माइनस है लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में आके पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड आपका क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका हैंस प्रूव। लेकिन स्टूडेंट्स, ये तभी कंडीशन सेटिस्फाई होती है जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 और 16 भी हैं, लेकिन दे आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, सो वी विल सो आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो ऑफ द चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी ओवर हो जाएगी और चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, दो पार्ट्स गिवन है, आई विल बी सॉल्विंग हियर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है, आई विल सेंड इन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन नोट इट डाउन। होमवर्क आप लोग का केवल एक है, क्वेश्चन नंबर 9th का सेकंड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स, आपको समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब फाइंड करना है, और इस क्वेश्चन से पहले आप लोगों ने वही आइडेंटिटी पढ़ी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया कि आइडेंटिटी तभी सॉल्व होगी, यूज होगी, जो आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, मतलब यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू -12 है जो ब्रैकेट के अंदर, वाई की वैल्यू 7 है और जेड की वैल्यू 5 है। ये आइडेंटिटी आपकी तभी अप्लाई होगी जब क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो के इक्वल होना चाहिए। सो -12 प्लस 7 प्लस 5 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखिए 7 प्लस 5 12, सो -12 प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो, ये किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपके जीरो के इक्वल आता है, तो आइडेंटिटी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। तो एक्स का क्यूब क्या है, -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब दैट इज वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज 5 क्यूब। तो जो आपने सॉल्व करना हो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू एक्स -12 इंटू वाई 7 इंटू जेड 5, जो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 3 इंटू 12 36, 36 इंटू 7 5 से 35, 36 इंटू 35 इज 1260 दैट इज 1260 1260। सो योर आंसर इज -1260। सेम इसी टाइप से आपका सेकंड पार्ट भी है जो सेम एज इट इज होगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 28 है, वाई की वैल्यू -15 और जेड की वैल्यू -13 है, इन सबका सम जीरो के इक्वल आ रहा है, तो आइडेंटिटी यूज करते हुए आपने 3 इंटू एक्स इंटू वाई जेड इंटू मल्टीप्लाई करके आंसर आपका आ जाएगा 16380। यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया स्टूडेंट्स, एक वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव विल गिव यू पॉजिटिव। सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ओवर हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आप लोगों ने फेयर नोट में भी नहीं करने हैं। सो वी आर एंडिंग अवर सेशन हियर राइट नाउ विद दिस ओनली, अवर एक्सरसाइज 2.5 इज ओवर एंड द चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स इज ऑल्सो ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।